hello students uh, today we are going to study in the bio section in chapter two part three coordination in plants and coordination in animals so how we study about the uh, how we study these this uh, section of the coordination chapter in which we study about the different types of organs which are responsible for the coordination in plants and uh, animals also so let me see uh, you if you see the uh, plant of uh, sensitive touch me not uh, mimosa pudica then you see uh, that there are the several types of sensitive organs which are known as the chuimui in which they begin to fold up and drop uh, how this is how this is happened uh, firstly the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch and uh, there is no growth involved in the movement so, on the other hand, the directional movement of a seedling is caused by growth. It is the prevented from growing. It will not show any movement. So, plants show the two different types of movements. One dependent on the growth and other independent of the growth. So, we see that uh, there are two types of growth in plant uh, which are stimulated by the electrical or chemical means or which are also stimulated by the light or gravity. So, when we see... मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ लेट वी फाइंड आउट हाउ द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इज इज रिस्पॉन्सिबल और दीज आर डिपेंडेंट ऑन देंसिटिव पार्ट ऑफ देंट ऑफ द प्लांट ऑल्सो बच्चों देखिये आप इस सेक्शन में ये देखेंगे कि जो uh, आपने कभी मिमोसा पोडिका का पौधा देखा होगा छुईमुई का पौधा वो आपके घरों में लगा ही रहता है उसमें हम देखते हैं इवनली कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं उसमें जो पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां जो है मुरझा जा जाती हैं और अगले क्षण वो पत्तियां फिर से ठीक हो जाती हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते जाते रहते हैं और जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पलसेज जो है वो इसमें पर्टिकुलर पौधों में जाते हैं उनकी पत्तियों में तो वो पत्तियां जो है वो खुल जाती हैं और जिस समय वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस नहीं जाते बंद हो जाते हैं तो ये पत्तियां जो है फिर एज इट इज अपनी पोजिशन में आ जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स होते हैं जो कि पोडिका के पौधे में आ, इनकी पत्तियों के नीचे होते हैं और जैसे ही हम इन पत्तियों को छूते हैं तो इन लीव्स में आ, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाने से वो पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और जैसे ही कुछ समय बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बंद होते हैं तो पत्तियाँ दोबारा खुल जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अगर हम ध्यान से उसको देखें और इसका टीएस सेक्शन देखें मोसा पोडिका की पत्ती का तो उसमें बहुत सारे जो है हमें कुछ स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वो स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है जैसे हम पत्ती को छूते हैं तो वो स्वेलिंग स्ट्रक्चर से जो उन स्वेलिंग स्ट्रक्चर के अंदर पानी भरा होता है वो एकदम से सूख जाता है तो उससे पत्तियां मुरझा जाती है और फिर अगले ही क्षण जब हम उस पत्ती को टच करना छोड़ देते हैं तो वो उन स्वेलिंग पार्ट्स पे दोबारा से है पानी भर जाता है और उसकी वजह से जो पत्तियाँ हैं फिर फूल जाती हैं और पत्तियाँ ठीक हो जाती हैं तो हमने ये देखा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप का जो स्टमेशन होते हैं प्लांट में वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ग्रोथ जो मेनली प्लांट्स में होती है वो डायरेक्शनल होती है मेनली ये जो डायरेक्शन होता है ये प्लांट में ग्रोथ का ये मेनली जो है बच्चों ये ट्रिगर करता है इन्वायरमेंट के ऊपर और इन्वायरमेंट में जैसे बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स होते हैं जैसे लाइट है ग्रेविटी है ये अक्सर प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं और प्लांट की ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होती है जो भी डायरेक्शनल ग्रोथ होती है इसमें उनको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं और एक तरफ ट्रॉपिक मूवमेंट होता है यानी कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है और दूसरी मूवमेंट होती है जो कि स्टिमुलस पर डिपेंड करती है अगर ये जो मूवमेंट है जो कि आपका ट्रॉपिकल है डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है लाइट के टूवर्ड्स तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और यानी कि जो शूट होता है शूट में हमेशा ये जो पौधे की तरफ जो पौधा होता है उसमें जो स्टम का पार्ट है वो हमेशा प्रकाश की तरफ यानी कि लाइट की तरफ हमेशा बेंट करता है तो इसमें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है जबकि रूट्स जो होती हैं वो हमेशा अंधेरे की तरफ जाती हैं तो वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट करती हैं तो जो पौधे का पार्ट अगर वो ऊपर की तरफ और लाइट की तरफ जा रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा और जो पार्ट जो है वो आ, अर्थ की तरफ मूव करेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक ठीक है और इसी तरीके से जो स्टेम होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक शो करता है क्योंकि वो लाइट की तरफ जा रहा है लेकिन ये ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहा है, तो तो शूट में नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है और रूट में पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है जियोट्रॉपिक का मतलब है ग्रेविटी से रिलेटेड तो जड़ जो होती है पौधे की वो हमेशा ग्रेविटी के टूव जाती है तो इसलिए जड़ों में पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है जबकि स्टेम में निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है क्योंकि ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो है ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और दूसरी तरफ जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो लाइट की तरफ इंक्लाइंड होता है लाइट की तरफ मूव करता है तो स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है और जबकि रूट जो है वो निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाती है इसी तरीके से जो अब हम आ, और दूसरे मूवमेंट देखते हैं जैसे कि जो प्लांट है उसमें कंप्लीट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किस तरह से होता है तो प्लांट में और एनिमल दोनों में ही कंप्लीट जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है उसके लिए कई सारे केमिकल कंपाउंड जिम्मेदार ज़िम्मेदार होते हैं उन वो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रेट नॉन न्यूट्रेटिव मटेरियल से बने होते हैं उसमें यानी कि कोई भी न्यूट्रिशन न्यूट्रेटिव मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है फैट है ये सब नहीं होता लेकिन ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इनमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं वाटर का कंटेंट होता है ये कहलाते हैं हॉमोन और इन हारमोन्स की वजह से प्लांट में हो या एनिमल्स में हो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो बॉडी में कंट्रोल होते हैं अब हम अगर बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांस कोई ट्रा, इंफॉर्मेशन या कोई आ, कहते हैं कि स्टिमूलाय रिसीव करता है प्लांट तो वो जो क्विकली रिस, रिसीव करता है और वो रैपिडली एक्शन देता है वो किसकी वजह से होता है वो होता है प्लांट में हार्मोन की वजह से अब हार्मोन्स वैसे तो क्या होते हैं कि हॉर्मोन्स दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच आर नॉन न्यूट्रेटिव मटीरियल बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन फंक्शंस इन द प्लांट एंड ह्यूमन बींग ऑल्सो और इसमें आपको दिखाएंगे कि डिफरेंट टाइप के जो हैं प्लांट हार्मोन उसमें हम कुछ स्पेशल पढ़ते हैं जैसे ऑक्सीजन हार्मोन होता है जिब्रैलिन होता है और यहाँ पर एप्सिक एसिड है एक हॉर्मोन इसके अलावा साइटोकाइनिन है तो मेन मेन हारमोन के बारे में मैं बताऊँगी आपको जैसे कि ऑक्सीजन हारमोन होता है प्लांट में ये ऑक्सीजन हारमोन प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और डिफरेंट uh, टाइप के जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरी तरफ यह है कि ऑक्सीजन की तरह दूसरा हार्मोन होता है जिब्रैलिन तो जिब्रैलिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ इन स्टेम यानी कि जो स्टेम के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको उसको हेल्प करने के लिए जिब्रेलिन होता है तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन क्या करता है जब सेल डिवीजन होती है तो उस समय सेल को प्रमोट करता है सेल डिवीजन के लिए ताकि सेल बहुत रैपिडली जो है अपने नंबर को बढ़ा सके उसके लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है और अब इन सब हार्मोन का तो सब अपने पॉजिटिव इफेक्ट देखा लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो जो नेगेटिव इफेक्ट भी रखते हैं जैसे कि एप्सिसिक एसिड होता है एप्सिक एसिड एक हौसा हारमोन है जो कि ग्रोथ को इनिबिट करता है ग्रोथ को रोकता है यानी कि जो पत्तियां होती हैं जब पत्तियां पौधों से झड़ जाती हैं तो उनमें विल्टिंग ऑफ लीव्स कहलाता है ये एक्शन इस विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए एप्सिक एसिड जो हॉर्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अब हम लोग बात करेंगे बच्चों हॉर्मोन्स इन एनिमल्स एनिमल uh, में भी कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी uh, में डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में निकल के मिल जाते हैं और ये मैक्सिमम डक्टलेस ग्लैंड से निकलते हैं ये जो डक्टलेस ग्लैंड होती है इनको बोलते हैं इंडोक्राइनल ग्लैंड्स इंडोक्राइनल ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस ग्लैंड एंड विच आर रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड एज हारमोन्स एंड हार्मोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हारमोन्स देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रोथ और कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन जैसे कि आपको एग्जाम्पल देती हूँ जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड हैं ह्यूमन बॉडी में जैसे कि अगर हम हैड की बात करेंगे तो हेड में जो हाइपोथलमस का रीजन है वहां पर एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है बिकॉज इट कंट्रोल्स द्ल ऑल फंक्शन ऑफ द अदर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाती है क्योंकि ये दूसरी जो ग्लैंड होती है जैसे थाड ग्लैंड है पैंक्रियास है और जैसे ओवरी है टेस्टिस है थे ग्लैंड है इन सबका जो दूसरी ग्लैंड का कोई भी फंक्शन कंट्रोल करती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड अब पिट्यूटरी ग्लैंड इसके कई सारे पार्ट होते हैं जो अंदर का पार्ट है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है जो बाहर का पार्ट है या पीछे का पार्ट है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है पिट्यूटरी ग्लैंड से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते जिसमें कि मेन हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से निकलता है और ये मेनली बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है जैसे कि इंसान बढ़ता है लंबाई में चौड़ाई में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ ग्रोथ हार्मोन अगर ये सही से ना निकले तो बच्चे जो है वो छोटे रह जाएंगे और इसकी डिफिशेंसी से बच्चों में बोनापन डेवलप होगा जिसको बोलेंगे डोरफिज्म दूसरी बात यह है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेवरल अदर हार्मोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है और दूसरे ग्लैंड जो दूसरी एंडोक्राइनल ग्लैंड है उनके फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है जैसे थायराइड ग्लैंड के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करती है और वो अपने अंदर से टीएसएच हार्मोन का शिक्षण करवाती है थायराइड ग्लैंड के थ्रू तो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन और वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे अंदर बॉडी में आयोडीन का शिक्रशन कराता है और उसकी वजह से हमारे अंदर जो है ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसकी जो रिमेम्बर पावर है मेमोरी पावर है मेमोराइज पावर है वो बढ़ती है आयोडीन की प्रेजेंस से अगर किसी बच्चे में थायरॉयड हार्मोन की कमी होगी तो वो बच्चा डॉर्क रह जाएगा छोटा रह जाएगा और साथ में उसके अंदर आयोडीन का शिक्रषण भी प्रॉपर नहीं होगा और आयोडीन की कमी से क्या होगा उस बच्चे में क्रिटिसिज्म हो क्रिटनिज्म इन्वॉल्व होगा यानी कि बोनापन और उसके साथ साथ जड़ मानवता पैदा होगी यानी कि जड़ मानवता का मतलब हुआ कि ऐसा बच्चा जो कि जिसके अंदर थर्यड हार्मोन की कमी होती है उसके अंदर आयोडीन की कमी भी पाई जाएगी और उसकी वजह से उसकी बुद्धि प्रखर नहीं होगी वो बहुत बच्चा कमजोर पैदा होगा वो बच्चा जो होगा वो बहुत ही पढ़ने लिखने में कमजोर होगा उसकी मेमोरी शार्प नहीं होगी उसे जल्दी से कुछ याद नहीं रहेगा और साथ में ही उसकी ग्रोथ भी कम होगी और वो बौना रह जाएगा तो इस क्रो को बोलते हैं क्रिटिनिज्म और थायराइड हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और अदर फंक्शंस को मेटाबोलाइ जो जो हमारे अंदर जो भी अदर मेटाबोलिक कंपाउंड्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है जिससे कि बॉडी में दूसरे टाइप की जो अदर फंक्शंस होते हैं उनके उनका भी बॉडी में बैलेंस बना रहता है अब तीसरा हार्मोन की हम बात करेंगे जो पेंक्रियास से निकलता है वो है इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन से निकल इंसुलिन जो हारमोन है वो पेंक्रियास की बीटा सेल से निकलता है ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उससे डाइजेस्ट होकर के जो भी ब्लड शुगर बनता है वो ब्लड शुगर ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और वो जाकर के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर वो लीवर में स्टोर कराता है अगर जिसमें इंसुलिन की कमी होती है उसमें जो हमारा ब्लड शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट उसमें जो प्रेजेंस ग्लूकोज की होगी वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसमें डायरेक्टली ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है इसको बोलते हैं राइज इन ब्लड शुगर लेवल इन अवर ब्लड और उसकी वजह से जो रोग कॉज हो जाता है डिजीज़ कॉज हो जाती है इसको बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस और डायबिटीज मिलाइटस के रोगी आपने देखे होंगे उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है सबक्यूटेनियसली और अगर ऐसा ना किया जाए तो उस व्यक्ति के अंदर ब्लड शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा उसकी वजह से उसको एडिमा कॉज हो जाएगा सूजन आ जाएगी और साथ ही में उस व्यक्ति को हाइपरटेंसिव वो नेचर हो जाएगा उसका कोई अगर उसको चोट लग जाती तो वो हील नहीं करेगी और साथ में उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है अब तीसरा हार्मोन जो मेन है वो है एडिनेलिन एड्रलिन हार्मोन ये एडनेलिन हार्मोन जो है वो एडिनल ग्लैंड से निकलता है हमारी दोनों किडनीज के ऊपर छोटी शुट छोटी बटन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड और उन एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है एड्रेनलिन इसको इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सिंपैथिन और पैरासिंपैथिन हार्मोन और ये जो हार्मोन है एडनलिन ये रिस्पॉन्सिबल है इमरजेंसी कंट्रोल के लिए जैसे कि अगर इमरजेंसी में अचानक से किसी व्यक्ति को बहुत सारा डर लग रहा है तो यानी कि उसके अंदर एडिन का सिक्सेशन जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है और जब एडनरिन का सिक्रेशन बैलेंस अमाउंट में होता है तो व्यक्ति जो है वो नॉर्मल रहता है तो बच्चों ये जो एडनरिन हार्मोन है ये हार्ट बीट को फास्टर भी करता है ऑक्सीजन को हमारी मसल्स में पहुँचाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अलावा जैसे आ, कुछ कुछ ऑर्गन्स में क्या होता है जैसे जब हमारी आर्टरीज वग़ैरह होती हैं मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है उस समय भी ये उसको वहाँ पर ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है या ग्लूकोज को पहुँचाने में भी सहायक होता है अब आते हैं हम लोग एडेंडलिन के, के बाद दूसरा हार्मोन है पैराथायराइड ग्लैंड के नीचे है थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो है थाइमोसिन और थाइमोसिन में दो हार्मोन निकलते हैं जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन और कैल्सिटोनिन ये हार्मोन जो होते हैं ये हमारी हार्ट को मजबूती मजबूत करते हैं और हार्ट के जो डिफरेंट टाइप के अदर फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में सहायक होते हैं थाइमोसिन हार्मोन फिर तीसरा और बड़ा हार्मोन एक आता है जिसको बोलते हैं अगर मेल्स में बात करें तो टेस्टे से निकलने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टिरन और वैसे ही फीमेल्स में ओवरी से निकलने वाला हार्मोन है ऑस्ट्रोजन तो मेल्स में निकलने वाला टेस्टोस्टिरन और फीमेल्स में निकलने वाला ऑस्ट्रोजन ये दोनों ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी स्टेज के लिए रिस्पॉसिबल होते हैं यानी कि जैसे लड़कों में दाढ़ी मूच का उगना आवाज़ भारी हो जाना और फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और उनकी आवाज़ पतली हो जाना तो ये सारे कैरेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आते हैं और ये सारे इन सब के लिए मेल्स में टेस्ट्रोस्टुर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में ऑस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके साथ ओवरी और टेस्टिस की मेच्योरिटी के लिए भी ये दोनों हार्मोन मेल्स में टेस्ट्रोस्टोरोन और फीमेल्स में ऑस्ट्रोजन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो बच्चों यहाँ पर मेन मेन मैंने आपको जितना कोर्स में था उतना आपको समझा दिया है कि आपके कोर्स में फिलहाल इतना ही है और फर्दर और आगे पढ़ने के लिए आप हार्मोन को और डिटेल में पढ़ सकते हैं तो बार बार प्लीज़ इस वीडियोस को देखें ताकि आपको ये जो थोड़ा सा टफ पार्ट है इसका हार्मोनल बैलेंस का ये आपको ढंग से समझ में आ जाए और जो हार्मोन की रिलीजिंग का अमाउंट होता है या जो टाइमिंग होती है इसकी हारमोन को रिलीज होने की और उस फंक्शन को रेगुलेट करने की तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है जिस समय ये हार्मोन रिलीज होता है उसी समय उसके जस्ट अगेंस्ट दूसरे ही क्षण ये हार्मोन बंद भी हो जाता है उसके अगेंस्ट दूसरा हार्मोन निकलता है तो इसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि ये जो फंक्शन होते हैं हार्मोन के रिलीज का और उसका जो टाइमिंग होता है ये रेगुलेट होते हैं बाय फीडबैक मैकेनिज्म जैसे कि अगर शुगर लेवल है ब्लड में वो राइस करेगा अगर वो राइस करता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर इंसुलिन की कमी हो रही है और उसी समय अगर मान लीजिए कि ब्लड शुगर लेवल घट रहा है तो इसका मतलब है कि इंसुलिन की इंसुलिन हार्मोन जो है वो कम हो रहा है तो बच्चों यहाँ पर इसके आगे बस इतना ही एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो वी मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक टिल देन गुड बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ टू थैंक यू